खबर सच्ची है तो ही अच्छी है। ट्रैवल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड बिग अपडेट्स, जो लेटेस्ट न्यूज होते हैं, उन सब के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए फ्री विज एडवाइजर। हेलो गाइस, दिस इज सरबजीत सिंह एंड आई वेलकम टू यू ऑल ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल फ्री वीज एडवाइजर। दोस्तों, आज की खबर जो है ना, बहुत ही एक्साइटिंग खबर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास फ्रॉड होने के, उनके साथ फ्रॉड होने के बहुत सारे मेरे पास कॉल आए हैं, मैसेजेस भी मैंने रीड किए। तो मैंने जब इसकी छानबीन की तो बहुत ही गहरा एक स्कैम नजर आता है, और ऐसा उन लोगों के साथ हुआ जो टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे, या टूरिस्ट वीजा जिन्होंने अप्लाई किया था, और बहुत सारे लोगों के साथ बहुत अच्छे मोटे पैसों के साथ जो है ना एक फ्रॉड हुआ है। और इसकी पुख्ता जो जानकारी है वो IRCC ने अपने ट्विटर हैंडल से भी दी है, जहां से पता चला है कि वाकई जो है ना ये एक बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ है कुछ लोगों के साथ, और वो स्पेशली इंडिया के अंदर पंजाब वाली साइड में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये बात बिल्कुल सच्ची है तभी करके जो अभी IRCC ने अपनी नई अपडेट दी है उसके अंदर साफ साफ कहा है कि बहुत आसान है कि जो कनेडियन गवर्नमेंट जो वेबसाइट है उसके उससे रिलेटेड ईमेल क्रिएट करना या वेबसाइट बना लेना, और ये सब चीज़ें आसान हैं। आप लोगों को कैसे बचना है, आप लोग कैसे उस चीज़ से दूर रह सकते हैं, आपके साथ फ्रॉड ना हो, स्कैम ना हो, ये स्कैम ना बने, तो ये सब चीज़ें कब हो सकती हैं, जब आप अवेयर रहेंगे। तो इस अवेयरनेस के लिए ट्विटर हैंडल के ऊपर IRCC ने ये वाली अपडेट दी है। देखिए, इस अपडेट के अनुसार साफ साफ लिखा गया है कि आप खुद अवेयर रहेंगे तो आप लोगों के साथ फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है। खुद बहुत सारे लोग हैं जो बिना किसी बात पे बहुत सारा पैसा देकर बाहर जाने के लिए, यानी कि कनाडा जाने के लिए, अपने आप को हमेशा ही रेडी रखते हैं, और उसके लिए वो किसी भी कीमत तक जाने को तैयार रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा करना आप लोगों के लिए खतरनाक है, हानिकारक है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हम उन केसेस के बारे में बता भी नहीं सकता कि उनके साथ हुआ क्या है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने जो एजेंट्स हैं, जो ऐसे देखिए सही एजेंट्स भी हैं जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से और लोगों का भला चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो सिर्फ पैसे के लिए यहाँ पर इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हैं, और उन्होंने उनके साथ फ्रॉड किया है। और हुआ कैसे है, ये इतना बड़ा स्कैम है कि उसके अंदर होता क्या है कि ये देखिए, यहाँ पे साफ लिखा है कि ऐसी वेबसाइट क्रिएट की गई है जो बिल्कुल लगता है कि IRCC की जो ओरिजिनल वेबसाइट्स हैं या कैनेडियन हाई कमीशन की जो ओरिजिनल वेबसाइट है उनके पैरेलल लगती हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे आप लोगों को डुप्लीकेट वीज़ा भी इशू कर दिया जाता है, आप लोगों के फ़ोन पर OTP भी आ जाता है। तो इतना सब होने के बाद जब मैंने किसी क्लाइंट से बात की जिसके साथ फ्रॉड हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमें वीज़ा का जो अब एकदम OTP भी आया, हमारे फ़ोन पर OTP आया, और उधर से उन्होंने हमें एक जो है ना मैसेज भी भेजा कि आपकी पेमेंट रिसीव हो गई है और आपकी आपका जो वीज़ा प्रोसेसिंग में दिखा रहा है। जब वो उस वेबसाइट पर जाते हैं तो वो वहाँ पे प्रोसेसिंग में दिखा था। दोस्तों, कितनी बड़ी एक बात है कि लोग अपना फ़ायदा ढूंढने के लिए, अपना फ़ायदा करने के लिए दूसरों का नुकसान करने से भी कतराते नहीं। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जो भी स्टेप लें, जिस तरीके से भी स्टेप लें, आप लोग रेपुटेड और रिकमेंडेड जो एजेंट्स हैं उनके पास जाइए, या जिन जो ट्रस्टवर्दी हैं, जो आप जिनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, उन लोगों के पास जाइए। ऐसे लोगों के पास मत जाइए जो आप लोगों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं वाकई दुखी हूँ उन लोगों के बारे में जानकर जिन्होंने अपना बहुत सारा पैसा खोया है। उन लोगों को सामने लाने की ज़रूरत नहीं है या इस चीज़ को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ आपको अवेयर करना चाहता था, इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया। और ये वीडियो वाकई मुझे लगता है कि सभी लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना चाहिए आप लोगों को। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जितना ज्यादा डेस्परेट रहेंगे बाहर जाने के लिए, ये लोग उसी तरीके से आपका फायदा उठाने के लिए नए से नए ट्रिक अपनाते रहेंगे। तो जो ये लिंक है, लिंक पर जाकर आप हर प्रकार की जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस जानकारी के मुताबिक आप कभी भी किसी भी प्रकार से किसी स्कैम का हिस्सा नहीं होंगे अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि सतर्क रहिए,
खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी के अंदर नए नए आयाम को अपनी ज़िंदगी में लाते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सी यू लेटर, गॉड ब्लेस यू, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।